तो भाई ये है मी 11X एंड पोको F3 के लिए लेटेस्ट MIUI VN का स्टेबल अपडेट, जो कि लास्ट जो चाइना स्टेबल अपडेट आया था MIUI 14.0.4 वाला, उसके ऊपर बेस्ड है। अब इसमें काफ़ी तगड़ी ऑप्टिमाइजेशन है और इस रोम को पर्सनली मैंने यहाँ पर जो है रियल किंग लेटेस्ट कर्नल के साथ में टेस्ट किया है। तो रिजल्ट्स क्या कुछ हैं, इन डेप्थ आपको क्या फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलेंगे सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको माई डिवाइस पेज में मिलेगा MIUI 14 VN वर्जन है और यहाँ पर 14.0.4 का आपको स्टेबल अपडेट मिलेगा। डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स में 5GB मेमोरी एक्सटेंशन एंड्रॉइड वर्जन 13 है और जनवरी 2023 से एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलेगा और इसमें पर्फ का कर्नल है बट मैंने रियल किंग वर्जन 9.4 मेटालिक नेम से कर्नल को इंस्टॉल कर रखा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना और अलॉयथ वाला जो कर्नल है उसको आप डायरेक्टली फ्लैश कर सकते हो, बट हाँ उससे पहले बूट एंड DTBO का जो है बैकअप जरूर से क्रिएट कर लेना। तो सिंपल है बट इसका रीजन क्या है, क्यों मैंने इसको फ्लैश किया, आगे बात करते हैं। बट उससे पहले आपका जो डिवाइस है वो यहां पे नॉट सर्टिफाइड शो कर रहा है, मे बी ये गूगल साइड बग अभी भी हो सकता है क्योंकि इसमें मे बी आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है और वाइडबैंड 11 आपको मिलेगा, गूगल फोटोज में स्पूफिंग है, ये रोम में मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है। रोम को जब मैंने नॉर्मली यूज किया तो एक्टिव और आइडल ड्रेन देख सकते हो, वैसे आइडल ड्रेन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है एंड एक्टिव ड्रेन यहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें BGMI वगैरह भी मैंने प्ले किया है तो काफी अच्छा बैटरी कंजप्शन है रियल किंग कर्नल के साथ में और ये आपको सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ मिलेगा, 92% तक आपका सीपीयू थ्रॉटल होता है और बाय द वे मेरे डिवाइस में अभी भी 2.74 मैक्सिमम क्लॉक स्पीड शो कर रहा है। इवन मैं इसको परफॉर्मेंस मोड में इनेबल भी कर देता हूं ना तो भी यहां पे मैक्सिमम 2.74 गीगाहर्ट्ज़ शो कर रहा था, सो दैट्स व्हाई मैंने कस्टम कर्नल को फ्लैश किया। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपके फोन में है तो कॉमेंट्स में जरूर से बताना। अराउंड 7 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर्स मिले मेरे को और ये स्कोर्स आए हैं यहां पर Geekbench 5 के, उसके बाद 3D मार्क के स्कोर्स भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। अब इस रोम में जो स्टॉक कैमरा है वो आपको लाइका वाला देखने को मिलेगा और यहाँ पे एडवांस्ड मोड्स आपको मिलेंगे, लाइक पोर्ट्रेट है, नाइट साइड है, मोर में देखोगे तो काफी सारे हाई एंड फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो देखोगे तो यहाँ पे 4K 60fps में भी ऑप्शन है बट EIS को आप जो है ऑफ कर देना, बाकी फीचर्स आपके वर्क करने लग जाएंगे। और LMC 8.4 को अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे सारे के सारे आपके लेंजेस वगैरह वर्किंग है, इवन जो स्लो मोशन वीडियोज है वो 1/8x तक भी वर्क कर रही है। रोम की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टिपिकल ये स्लाइडर्स की पोजीशन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि VN रोम में मिलता है और नंबर ऑफ लार्ज स्टाइल्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आप 5, 4 या फिर 3 अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये सब ऑप्शंस आपको कस्टमाइज करने के लिए मिल जाएंगे और इसको पुल डाउन करने में बिल्कुल लैग नहीं आएगा। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ देखने को मिल जाती है एंड फास्टेस्ट तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा बट रोम में आपको स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। एज यू कैन सी जो ऑप्टिमाइजेशन है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको मिल जाती है और यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस या फिर ऐसे एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे। और रैम मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ ऐसा रैम मैनेजमेंट आपको मिलेगा, तो जो रैम मैनेजमेंट है वो आपको यहाँ पर एक्सलेंट देखने को मिल जाएगा। एज यू कैन सी कहीं भी इशूज़ आपको नहीं आने वाले, एनिमेशन स्टिल आपको सेम देखने को मिलेंगे जैसे हम फर्स्ट टाइम में ओपन करते हैं और ऐप वॉल्ट लेटेस्ट अपडेटेड है। उसके बाद आपको विजिट स्टोर देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा चाइनीज लैंग्वेज के अंदर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको चाइनीज रोम मिलती है और यहाँ पे आपको एडिट आइकॉन का ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें आई थिंक आपको कस्टम आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपको प्रीमियम या फिर जो है पेड आइकॉन्स देखने को मिलेंगे या फिर जो विजिट्स हैं उनको आप इनेबल कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। अब फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में कोई नया चेंज नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी में सुपर लाइव वॉलपेपर्स MIUI 14 के वॉलपेपर्स हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह वाले ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांस्ड पावर मेन्यू आ चुका है जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद नोटिफिकेशन साउंड व्हेन स्क्रीन इज ऑन का ऑप्शन आ चुका है, एक्सपेंड टॉप नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, डिसेबल रीबूट मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है और पॉकेट मोड वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, एंटी फ्लिकर मोड है और रिफ्रेश रेट का UI लेटेस्ट अपडेटेड है। AI इमेज इंजन में 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डिसेबल फॉन्ट मिलेन प्रो का ऑप्शन है। उसके बाद एनिमेशंस को आप कस्टमाइज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे और पिक्चर PIP मोड को आप कस्टमाइज कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें, साउंड इफेक्ट्स में आपको डॉल्बी एटमोस एंड हार्मन कार्डन ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन शेड में ये ऑप्शंस हैं और एंड्रॉइड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर मैंने आपको दिखा दिया क्या कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। स्टेटस बार के स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। उसके बाद यहाँ पे हाइड ग्रीन आइकॉन व्हेन एक्सेसिंग माइक्रोफोन या फिर जो है कैमरा उसका ऑप्शन है और जो वॉच है उसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कनेक्शन स्पीड है और बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा, नीचे आइकॉन्स हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा और वेदर
वेदर को आप शो कर सकते हो। ये इस बार आपको थोड़ा सा डिफरेंट लॉन्चर मिलेगा, यहाँ पे एनिमेशन स्पीड है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना तो आइकॉन्स में आपको बैकग्राउंड कलर का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो टिपिकल और ऑप्शंस थे वो भी बाहर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ऐप ओपनिंग एंड हाइडिंग एनिमेशन स्पीड आपको मिल जाएगा। उसके बाद कैप्शन वगैरह आप हाइड कर सकते हो, अनलॉक एनिमेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और ये जेस्चर्स हैं। उसके बाद रेंज आइटम्स हैं, रिसेंट्स में आपको स्क्रोल ऑफसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कार्ड शेडो का ऑप्शन है, फुल ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, न्यू टाइल ब्लॉक स्टाइल का ऑप्शन है, हाई एंड डिवाइस वाले कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स आपको मिल जाएंगे, और लेयर एनिमेशन का ऑप्शन है। उसके बाद स्मूथ राउंडेड कॉर्नर्स हैं, शो ब्लर्ड आइकॉन्स हैं, डिसेबल सिंपल एनिमेशन है, बाकी आप यहाँ पे पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो, और नीचे रीबूट का भी ऑप्शन है। तो ये जो चेंजेस है वो आपको इस बार नहीं देखने को मिलेंगे, और ये आपको किसी भी रोम के अंदर देखने को नहीं मिलते। बैटरी में देखोगे तो परफॉर्मेंस मोड मिलेगा एंड ऑप्टिमाइज चार्जिंग है, और एडिशनली अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें कॉन्वर्सेशन बबल्स हैं, और 5GB मेमोरी एक्सटेंशन आपको मिलेगा, एंड वीडियो टूल बॉक्स आप एक्सेस कर सकते हो। इस रोम को अगर आप 60 FPS BGMI के लिए प्ले करना चाहते हो तो भाई जो परफॉर्मेंस है वो काफी कमाल की है। अब मैंने तो रियल किंग कर्नल के साथ में इसको टेस्ट किया है, बट अगर आपके फोन में 3.18 GHz वाला इशू नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो भाई ये रोम आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली है। तो अगर आपके फोन में 2.74 GHz के ऊपर ही मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है तो आप रियल किंग कर्नल को ट्राई कर सकते हो, देन आपको मैक्सिमम जो स्पीड है ना वो मिल जाएगी, एंड परफॉर्मेंस काफी कमाल की है। ऑल्दो जो रोम है वो आपको 60 FPS तक ही BGMI प्ले करने का ऑप्शन देती है, बट जो FPS है, जो स्मूथनेस है, उससे आई थिंक आप सेटिस्फाई हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई टचेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको BGMI में देखने को मिलता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट Android 14 डेवलपर प्रीव्यू 1 में।